News 18, India. और वहीं अब तक शारजा शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शारजा शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाई कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शारजा शेख की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर ही इसका जिम्मा ठहरा दिया गया है कि हाईकोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है कि अभी तक शारजा शेख गिरफ्तार नहीं हुआ। और बड़ी खबर मिल रही है, टीएमसी नेता शारजा शेख के भाई के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिराज शेख के खिलाफ अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसी के साथ ही गांव के पुरुषों पर हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी नेता शारजा शेख के भाई के ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं संदेश खाली मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जनहित याचिका के अलावा संदेश खाली पर खुद संज्ञान लिया और इस मामले पर भी आज सुनवाई होगी। और इस बीच संदेश खाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कुछ किए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुजरिम जो है वो बाहर है और पीड़ितों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा जांच टीम को भी रोका जा रहा है। इस टीम ने गवर्नर से भी मुलाकात की। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन बना के हम सब लोग दे दिए। गवर्नर साहब को ले लिए एंड ही एश्योर्ड दैट नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अप ऑन दैट। और वहीं संदेश खाली मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई, जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बीजेपी का नियंत्रण बताया तो बीजेपी नेता तरुण चुग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि उनकी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहां थे ये लोग यूपी में, कहां थे ये लोग एमपी में, कहाँ थे गुजरात में, कहाँ थे असम में, कहाँ थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोगों को अरेस्ट करना ये बताता है कि ममता राज में दाल में कुछ काला नहीं। एक तो ममता दीदी की पूरी दाल ही काली है और वहां काले कारनामे करने वालों की जय हो। और इस बीच संदेश खाली के मामले में बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ममता सरकार शारजा शेख को नहीं ढूंढ पा रही है तो बता दे, केंद्र की एजेंसी एक घंटे में शारजा शेख को ढूंढ निकालेगी। वहीं बीजेपी के नलिन कोहली ने टीएमसी के उस दावे को, जिसमें टीएमसी ने महिलाओं पर संदेश खाली में अत्याचार की बात से इनकार किया था, उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, साथ ही उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है। ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र दस्यु से, वो सोमालिया का समुद्र दस्यु से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो एक घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकलने का ताकत केंद्र में है, केंद्र की जो एजेंसी है उसमें है। संदेश खाली से जो जानकारी मिल रही है वो चिंताजनक है और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं ने बहुत साहस दिखाकर इस बात को मीडिया के सामने और मीडिया के माध्यम से रखा कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है और उनके सहयोगी हैं जमीन को हड़प रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार पहले चुप हो गई, फिर उसके बाद चुप होने के बाद उन्होंने वहाँ मीडिया को जाने से रोका है।
वहां पर जो भी जाते हैं जानकारी लेने के लिए उनको अरेस्ट कर देते हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन और राष्ट्र को इसे समर्पित भी करेंगे। आज ये बड़ा कार्यक्रम है रेलवे के लिए, आज एक अहम दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात यहां पर दी जाएगी। रेल परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देश को देंगे। आपको यहां पर बता दें कि कई रेलवे स्टेशन का यहां पर कायाकल्प किया जाएगा और इसके अलावा ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का जोर हमेशा से रेलवे के कायाकल्प पर रहा है। उनका खास जोर रेलवे की आधुनिकता और विस्तार पर भी रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आज पीएम मोदी क्या सौगात देने जा रहे हैं। एक एक करके इसे आपको समझाते हैं कि आज रेलवे की कौन कौन सी वो सौगात लेकर आए। 41,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। इसके अलावा 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। यूपी के गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 385 करोड़ की लागत से गोमती नगर स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। 1500 ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथ होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। तो वहीं 27 राज्यों में 19,000 करोड़ की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण और दिव्यांग अनुकूल स्टेशनों का पुनर्विकास यहां किया जाएगा। स्टेशन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। और बड़ी खबर चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही है। इसी बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के जेपी नड्डा और संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और साथ ही संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ भी जेपी नड्डा के द्वारा आज किया जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, मिशन 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जेपी नड्डा आज प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। साथ ही संकल्प पत्र सुझाव अभियान की जो बैठक होने वाली है उसमें भी जेपी नड्डा शामिल होंगे।